हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त बिंदास एंड एकदम झक्कास होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ क्या, कोफ्ते की सब्जी। मैं मेरे स्टाइल में बनाने वाली हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं गरम मसाला बहुत ही कम खाती हूँ, मुझे गरम मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने मेरे स्टाइल में बनाई है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल में बना के ज़रूर खाइएगा, फिर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे स्टाइल की कोफ्ते की सब्जी कैसी लगी। सो चलें, लेकिन कैसे बनाया मैंने वो दिखाने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़, अगर आप भी मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कोफ्ते की सब्जी जो है वो कैसे बनाई है। तो चलें चलिए। सो गाइस, ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। आज कोफ्ते बन रहे हैं, तो ये लौकी किस रही हूँ मैं, अभी इतनी बची हुई है, हाथ दर्द करने लगा यार बहुत टाइम। एक तो ये छोटी सी किसनी है, इतनी छोटी सी, तो हाथ दर्द करने लगा। बस अभी ये और ये कंप्लीट कर लूँगी तो पूरा किसके रेडी हो जाएगा। एंड ये देखिए, मेरा पूरा लौकी जो है वो किसके रेडी हो चुका। एंड ये देखिए गाइस, ये इतना जूस रहता है लौकी में, सो ये लौकी का जूस निकालना मेरे को बहुत ज़रूरी है, तभी ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा कोफ्ता। नहीं तो अगर मैंने इसका जूस नहीं निकाला ना, तो वो गीला रहेगा, तो ठीक से कोफ्ते बनेंगे नहीं और पूरा फट जाएगा जब मैं तलूँगी। तो मैं इसको फटाफट निकाल लेती हूँ सारा इसका जूस, फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये देखिए, मैंने पूरा जूस निकाल दिया है लौकी का, इतना सारा जूस निकला है, ये पूरा अभी रेडी हो चुका है कोफ्ता बनने के लिए। और ये मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी इसमें, और एक हरी मिर्च काट के डाली है मैंने, और ये हरी धनिया, ये हरी मिर्च हरी धनिया एक साथ ही कर दिया था मैंने। और इसमें थोड़ा सा डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, इसमें थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। ये मैं इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड करूँगी, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ये मैगी मसाला ऐड करूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच बेसन, फिर आप अपने हिसाब से अगर कम ज़्यादा लगे तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये पूरा डो बन के मेरा रेडी हो चुका है, ये पूरा जो कोफ्ता का मसाला है पूरा सब ऐड कर दिया मैंने इसमें। ये देखिए, अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। एंड गाइस, ये देख सकते हैं, सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं मैंने। ये जितना एक लौकी था छोटा सा, उसमें इतने बॉल्स बने हैं, 11 हैं शायद। इतने बॉल्स बना के रेडी हो चुके हैं। ये ऑयल भी गरम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। मैं सारे के सारे बॉल्स जो हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और तल लूँगी। थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा आँच तेज कर दी थी ताकि नीचे चिपके नहीं, ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, सारे बॉल्स मैंने डाल दिए हैं इसमें, अब इनको धीमी आंच में तल लूंगी मैं बढ़िया से। एंड गाइस, ये आप देख सकते हैं, मेरे बॉल्स बनके हो चुके हैं रेडी, देख सकते हैं आप, बहुत सॉफ्ट हैं, ये देखिए। सो गाइस, ये देखिए, 4 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज, और टमाटर थोड़ा ज़्यादा लिए हैं मैंने क्योंकि मुझे खट्टा खाना ज़्यादा पसंद है, और ये लहसुन है, और ये अदरक है, और ये देखिए, ये लहसुन ऐड कर दूंगी मैं इसमें, ये एक हरी मिर्च और ये अदरक के पीस, और ये छोटे छोटे प्याज काट लिए मैंने, इसका पेस्ट बनाऊंगी। और ये मेरा प्याज पीस के हो चुका है रेडी, और ये टमाटर के पीसेस काट लिए मैंने टमाटर का पेस्ट बनाने को, और ये टमाटर का पेस्ट बनके हो चुका है रेडी। सो गाइस, ये मेरा ऑयल हो चुका है गरम, अब इसमें मैं
ये तड़के वाला सब मसाला डाल दूंगी, थोड़ा सा जीरा ऐड किया है मैंने, ये थोड़ा सा राई ऐड किया है और मेथी दाना। मैं गरम मसाला ऐड नहीं करूंगी क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है वैसे भी, और मुझे बहुत मसालेदार सब्जियां खाना पसंद नहीं है, बट मैं ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनाती हूँ, तो आज मैं मेरे स्टाइल में कोफ्ते बना के आपको बताती हूँ। और ये इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची, और मैं ये सूखी मिर्ची भी ऐड करूंगी क्योंकि दोनों का जो तड़का होता है ना, वो कॉम्बिनेशन वाला, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये लहसुन और ये मसाले हो चुके हैं ब्राउन, इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये जो प्याज का पेस्ट बनाया था मैंने, पर ये देखिए ये जो प्याज ऐड किया था मैंने तो बहुत अच्छे से पक चुका है, ये ऑयल छोड़ दिया है। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटर, टमाटर का पेस्ट जो बनाया था मैंने ये। ये टमाटर ऐड कर दिया है मैंने, अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कलर आ जाएगा, और ये हल्दी पाउडर, और ये नमक स्वादानुसार जितना आपको चाहिए हो, जितना आप खाते हो उतना नमक ऐड करिएगा, और ये 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर है, मतलब धनिया पाउडर। एंड गाइज ये देखिए मेरा जो टमाटर ऐड किया था मैंने और मसाले अच्छे से बढ़िया से तेल छोड़ दिया है ये पेस्ट, और बढ़िया से पक चुका है। तो अभी ये मैंने लौकी का पानी जो निकाला था, जूस निकाला था जो मैंने, तो वो बचा हुआ है तो उसको मैंने फेंका नहीं था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बहुत फ़ायदेमंद होता है तो फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बाकी का ऐड कर दूँगी इसमें पानी। अब इसमें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना आपको समझ आए तो आप ये कर सकते हैं। आप लौकी का जूस अगर इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि लौकी का जो जूस होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो वो मैं बचा हुआ जूस इसमें ऐड कर दी। एंड ये देखिए गाइस इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी, सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच, और ये सारे बॉल्स ऐड कर दूँगी क्योंकि मेरी ग्रेवी जो है ना वो बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ी देर तक पकने दूंगी, अब इसको मैं थोड़ी देर तक अच्छे से पकने देती हूँ, ये देखिए। सो गाइस ये देखिए मेरी सब्जी बनके हो चुकी है रेडी, और अब मैं इसमें लास्ट में ऐड कर दूंगी धनिया की पत्ती, इससे टेस्ट जो है ना वो 4 गुना और बढ़ जाता है, और सब्जी बहुत ही यम्मी लगती है, टेस्टी लगती है, ये देखिए। सो मेरी कोफ्ते की सब्जी बनके हो चुकी है रेडी बिना गरम मसाले के, और बहुत ही अच्छा टेस्ट समझ आ रहा है मुझे तो, वाओ ये देखिए बहुत ही लजीज शानदार।